यहाँ देख सकते हैं युवती की जो माँ है, काफ़ी बुरे हालात हैं उसके। वो मना कर रही है कि शव को ना लेकर जाए जब तक इसके आरोपियों को गिरफ्तार ना किया जाए। यहाँ देख सकते हैं आप, युवती की जो माँ है वो अड़ी हुई है इस बात पर कि जब तक उसके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो शव को नहीं लेके जाएगी। यहाँ देख सकते हैं आप, युवती की माँ है, चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका यही कहना है कि जब तक उसके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो यहाँ से नहीं जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं आप, मृतक युवती जो जिसने कल आत्महत्या कर ली थी, उसकी माँ है, यहाँ चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है कि जब तक उसके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो शव नहीं ले जाएगी। हालांकि काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने शव को गाड़ी में भेज दिया है, लेकिन उसकी माँ है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक उसकी बेटी के आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस नहीं करेगी तब तक वो ये शव नहीं लेगी। लेकिन पुलिस के परिजनों द्वारा शव को भेज दिया गया है। और यहाँ देखते हैं कि युवती की माँ किस तरह से रो रही है, चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है वो। यहाँ देख सकते हैं आप, युवती की माँ है जो काफी परेशान दिखाई दे रही है और चीख चीख कर वो इंसाफ की गुहार लगा रही है कि उसकी बेटी को इंसाफ दिया जाए, उसकी बेटी के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि उसे इंसाफ मिल सके। सफीदों के नागरिक अस्पताल में आप देख सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं जो कल युवती ने आत्महत्या की थी उसकी माँ यहाँ चीख चीख कर रो रो कर इंसाफ मांग रही है। क्या लेके आओ उनको, पकड़ो, इंसाफ दो मने, नान साफ पियो मेरे साथ। अभी क्या मांग करके आप पुलिस से क्या मांग कर रहे हो? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। मैं अपनी बच्ची को लेके नहीं जाऊंगी तब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या मांगे आपकी पुलिस प्रशासन से? बच्ची से उनको गिरफ्तार करो, जिन जो 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 मेरे बच्ची के मुजरिम है उनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार मेरे सामने गिरफ्तार होने चाहिए। मैं जब जब जाकर मैं अपनी बच्ची ने लेकर जाऊंगी, मैंने इंसाफ चाहिए पुलिस से, मैंने इंसाफ चाहिए। मैं अपनी बच्ची ने लेकर जीप जाऊंगी, जब मेरी बच्ची का इंसाफ मिलेगा। मैंने किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? वो जिन जिन जिन्होंने जिसकी वजह से मेरी बेटी मरी है वो सारे अंदर होने चाहिए। अभी के अभी वो सारे अंदर होंगे तो मेरी बेटी जाएगी। सारे हो क्या? सारे उसकी माँ, लड़का है, लड़के का बाप है, लड़के की बहन है, उसकी माँ है। सबके नाम दे दिया आपने? सबके नाम दे दिए जी। गौरव है, उसका भाई है, गौरव का बड़ा भाई है, उसका बाप है, गौरव की माँ है, गौरव की बहन है। तो बेटी ने आपको कुछ बताया था इस बारे में? सारे सारा बता रखा था मेरी बेटी ने। मेरी बेटी ने यह बताया था, मम्मी मैंने टॉर्चर करा है, मम्मी मैंने परेशान करा है और उसने ब्लैकमेल करा है, मम्मी मैंने ब्लैकमेल करा है, मैं क्या करूँ। उसने कल भी मेरे क्या बात बोली, मम्मी मैं क्या करूँ, उसने सिर्फ गलती आ करी, 5 मिनट का टाइम मेरे को दिया नहीं उसने, मैं अपने आप सुलझावा कर लें दी। उसने यह बात कही, मम्मी वो मैंने टॉर्चर करा है, मम्मी वो मैंने ब्लैकमेल करा है, मम्मी वो मैंने नुकवाया कि तेरी लड़की ने उठा कर ले जाएंगे घर से, तू क्या बिगाड़ेगी। गौरव के भाई ने बोली ये बात कि भाई तू क्या बिगाड़ेगी, तेरी लड़की को तो हम घर से उठा लेंगे, तू क्या कर लेगी बहन चौध। उसने मेरे को ये बात बोली, शिकायत दर्ज करवाई थी सवेरे के टाइम, मेरे भतीजे के साथ, मेरे बच्चों के साथ मार पिटाई करी, मेरी लड़की को छेड़छाड़, पहले छेड़छाड़ करी, फिर मेरे भतीजे ने उसको देखा, उसको रोकने की कोशिश करी तो उनके साथ मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद फिर हम सारा दिन हॉस्पिटल में रहे। मेरे भाई भतीजा 6 घंटे वो उसमें आया, सिर में ज़्यादा गहरी चोट थी उसकी। तो जब बेटी ने आपको बताई तो आपने एक्शन लिया? कोई एक्शन लिया था? एक्शन लिया था जी, पुलिस में तो मैं गई नहीं जी। मैं यहाँ देख सकते हैं आप, सफीदों के नागरिक अस्पताल से जो युवती है कल जिसने आत्महत्या की थी, साफ तौर पर युवती की माँ का कहना है कि सफीदों के नागरिक अस्पताल से अपनी बेटी का शव तब तक नहीं लेगी जब तक इनके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब देखने होगा पुलिस इस मामले में किस तरह की क्या कार्रवाई करती है। जो इनकी मांग है वो मांग साफ तौर पर यही है कि जब तक इनके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता ये शव यहाँ से नहीं लेंगे उस युवती का। बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, आपको पूरे हालात दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीशपुर, सफीदों के नागरिक अस्पताल से। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफीदों के नागरिक अस्पताल में। और आपको याद होगा कल शाम की ही घटना है, वो घटना ये थी कि एक युवती थी जो नाबालिग थी, कुछ युवकों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था और कल सुबह भी उसके भाई को पीटा गया था, जो लड़की ने सुसाइड किया है।
और यहाँ देख सकते हैं सुविधों के नागरिक अस्पताल में युवती के परिजन है, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ। अब जब ये जानने के लिए नई जो बात निकल कर सामने आई है वो ये है कि जो परिजन है उन्होंने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है, और उनकी मांग क्या है, डेड बॉडी ना लेने का क्या कारण है, इसी बारे में उनके परिजनों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जो कल भी मौजूद थे, परवीन है, लड़की के जो मामा लगते हैं उनसे सबसे पहले बात करेंगे। आज क्या मैटर है कि किस बात के लिए क्या मांग रखी है आपने? हमने ये मांगे रखी हैं कि अपराधी कल से पकड़े नहीं गए हैं, और पहले उन्हें लड़के को चोटें मारी हैं, जान से मारने की कोशिश करी है, उसके बाद लड़की को सुसाइड करना पड़ा उन्हें तंग आके, लेकिन अभी तक वो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक वो गिरफ्तारी उनकी नहीं है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे जब तक हम सब नहीं लेके जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं साफ तौर पर युवती के जो मृतक युवती है कल जिसने आत्महत्या कर ली थी किसी कारणों के चलते, और बताया यह गया था कि कुछ पड़ोसियों के युवक थे उन्हें परेशान किया जा रहा था। अब ये जो परिजन है यहाँ जो सुबह जो स्थिति बनी हुई है आप देख सकते हैं, ग्राउंड मीडिया के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे जो स्थिति, अब ताज़ा स्थिति ये है कि जो युवती के परिजन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनके जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं जिनका इन्होंने नाम दिया है, जिनको आरोपी बनाया, जिनको अपराधी बता रहे हैं, जब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती तो ये उस युवती का जो डेड बॉडी है लेने से साफ मना कर रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन इस मांग को लेकर किस तरह की क्या कार्रवाई करता है, देखने वाली बात है। और ये भी यहाँ मौजूद है महिलाएं, मौजूद उनसे बात करेंगे। ताई क्या बात है? बस बात ये है जी, हम तो उस टाइम अपनी लड़की ने उठाएंगे, उस टाइम ये मुलाजिम नहीं पकड़े जाते, इतना हम कुछ नहीं करते, हम नहीं उठाएंगे। हम जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होगी हम जब तक कोई डेड बॉडी नहीं लेंगे। किस तरह की क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से आप? हम ये चाहवा भाई जैसे कल हमारा पोता मार दिया होंदा, ये लड़की ने भी डर दिन अपनी आत्महत्या खुद कर ली है, तो आज इसने ये कारण करा तो कल और भी कुछ करेगा, और इब तक हो प्रशासन का निकाबू मारे तो मारे क्या आवागा हो नहीं बता। तो अभी पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांगा जी हुए पेश किए जावे, और जीव हम उसकी डेड बॉडी उठावेंगे, ये मारा कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, हम एक गरीब घर के बंदे हैं तो इसलिए हमारे पर दबाव डाल रखा है, अगर ठाडा का होता तो जी भी ये पेश कर देते उसने, क्या बात है ये गरीब घर के लिए, इस मारे ये नहीं होता, ये तो प्रशासन सब के लिए एक होता है, ये एक आंख तो देख रहे, क्या बात है ये नहीं करना, हम नहीं ठाएंगे अभी। तो यहाँ देखा आपने, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे सफीदों के नागरिक अस्पताल से, मैं ग्राउंड मीडिया से हरीश कपूर, आपको जो ताज़ा हालात यहाँ बने हुए हैं वो साफ तौर पर देख सकते हैं आप। ताज़ा हालात अब ये हैं कि जो युवती के जो मृतक युवती थी जिसने कल आत्महत्या कर ली थी, उनके परिजनों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक जो आरोपी हैं उनको, सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तब तक इस युवती का शव हॉस्पिटल से नहीं लेंगे, जो एक बहुत ही गंभीर विषय की बात है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस बारे में किस तरह की क्या कार्रवाई करता है। अभी तक की जो ताज़ा स्थिति हमने आपको दिखाई तो बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ, हम आगे भी इस घटना को लेकर आपको सभी तरह के हालात दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफीदों के नागरिक अस्पताल से। यहाँ आप देख सकते हैं आप, काफ़ी जद्दोजहद के बाद युवती के परिजन माने हैं और युवती के शव को लेकर जा रहे हैं, और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। यह देख सकते हैं आप, शव को लेकर परिजन जा रहे हैं, काफ़ी जद्दोजहद के बाद परिजन माने हैं शव को ले जाने के लिए। अब ये FIR परिवार के द्वारा सर शव ना लेने की भी बात भी सामने आ रही है, क्या कुछ बात? हाँ, आपके सामने है सारा कुछ, कौन कह रहा है ये बिना वजह कि लोग, कुछ लोग जो ना अफवाहें फैलाते हैं, अफवाहों से हमेशा बच के रहना चाहिए, ये बिना वजह की कुछ लोग गलत बातें फैलाते हैं। गलत आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी, मैं भी यहाँ से फारिग हुआ हूँ हॉस्पिटल से डेड बॉडी हवाले के लिए, और अब इसी तरह शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जा रहा हूँ। सर, जैसे कि सुबह से परिजन अड़े हुए थे कि उनकी मांग थी जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो जो युवती ने आत्महत्या की उसका शव नहीं लेंगे, तो अब यहाँ कैसी स्थिति है सर? कोई परिजन नहीं अड़ा था, किसी ने नहीं कहा, अभी तक तो डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा मेडिकल वो पोस्टमार्टम किया जा रहा था, किसी परिजन ने कोई ऐसी कोई बात नहीं कही, ना कोई ऐसी बात थी ना मेरे सामने आई, अगर किसी ने आपके चैनल के माध्यम से कोई बात कह दी हो तो मुझे पता। तभी सर कैसी स्थिति बनी हुई है? स्थिति अच्छी है, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शीघ्र अति शीघ्र आरोपियों को। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।